पिछली रात की शुरुआत के बाद सलमान खान आठवें लगातार समय के मेजबान के रूप में लौट आए और इस साल के प्रतिद्वंद्वियों की लाइनअप का पता चला। बिग बॉस के इतिहास में 18 लोगों उच्चतम बिग बॉस के इतिहास में 6 हस्तियों और 12 आमों सहित इस मौसम में बिग बॉस हाउस के अंदर बंद कर दिया गया है। हालांकि इन प्रतियोगिताओं में आमतौर पर अपने झगड़े और नाटक से शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन का समय लगता है। इस साल यह मामला पूरी तरह से अलग है क्योंकि दर्शक पहले एपिसोड में तुर्कों का एक समूह देखते हैं। लेकिन अगर आप आज रात के प्रसारण को देखने में सक्षम नहीं हैं, तो हम नाराज नहीं होंगे क्योंकि हम आपको इस एपिसोड के लाइव अपडेट यहां देंगे। जरा देखो तो पेडिसिस मेहबानी से दिखी लुसिंडा निकुलस लाफ दिकुजी और सभ्यसाची संपत्ति जो एक अलग घर में है, वे एक बातचीत कर रहे हैं जहां वे पिछले साल के प्रतियोगी प्रियंका जगा को अर्शी खान की तुलना करते हैं। मेहज भी तो कहते हैं कि वह अपने तरीके से अर्शी से निपटेंगे। शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता ने तार को उठाया था। वे सुबह से बाहर निकल गए थे और सुबह के मध्यांतर में एक तक में टूट गए थे और हमें आश्चर्य है कि रोशनी 1 बजे तक बंद क्यों हुई थी। जैसा कि शिल्पा कहानी के अपने पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, विकास ने अपना गुस्सा खो दिया और उसे मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से विकलांग कहा, जबकि शेष प्रतिभागियों ने हस्तक्षेप करने और तर्क को तोड़ने की कोशिश की। शिल्पा अंततः रोने वाले दृश्य से दूर चली गई। हालांकि घर में गर्मी से कोई राहत नहीं हुई थी क्योंकि कई बम टिक गए थे, बस विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार जुबैर खान एक वयस्क मजाक के साथ बातचीत शुरू करता है, कुछ ऐसा है जो सपन चौधरी के साथ अच्छी तरह से नहीं जाता है। दिल में एक नारीवादी सपना ने जुबैर को अपनी भाषा को विशेष रूप से महिलाओं के सामने रखने का अनुरोध किया। जुबैर उनका पालन पोषण करने का मामला उसी प्रकाश में जारी है और जल्द ही पुनीत शर्मा ने इस मुद्दे को उसके साथ लेने के लिए कदम उठाए हैं। उनमें से दोनों में गहन मौखिक स्पर्ट में आते हैं जो जुबैर के साथ समाप्त हो जाता है, जिसमें पुण्य का खतरा है। बिग बॉस ने स्वागत योग्य गीत मेरे समुदाय वाली खेती में के साथ अपने चल रहे लड़ाई से प्रतिभागियों को जगाने के लिए उपयुक्त समय चुना। ट्रे वाले और पेडिसिस का विषय पेश करते हुए शेष दिन के लिए आराम से देकर प्रतिभागियों ने अपना समय एक दूसरे को जानने की कोशिश की। उन्होंने यह भी जल्दी से अपने बीच कर्तव्यों को विभाजित किया और दैनिक काम पर शुरू कर दिया और घर में बसने। लेकिन चीजें दिलचस्प हो जाती हैं जब ओडोसिस की मांगें शुरू हो जाती हैं। दोपहर के भोजन की सरदम मांग के साथ शुरू करना। लाभ दिगुजी और विकास घर में टेलीफोन के जरिए संवाद करते हैं। लाभ सीधे मांग करता है कि आए विकास और दोनों एक विवाद में आते हैं। इस तरह के एक गर्म पहले दिन के साथ बिग बॉस जानता है कि कैसे चीजों को शांत करने के लिए हिना और बेनाफा के लिए आश्चर्य की बात है जन्मदिन की लड़कियों को अपने बिग बॉस के सपनों में केक काटने, नृत्य और घर में हर किसी से बहुत प्यार के साथ अपने विशेष दिन का जश्न मनाने के लिए मिला है।